हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी। दोस्तों, इस रेमेडी के उपयोग से आपके गले में जो भी तकलीफ़ प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, नाक बंद होना, बहुत ही ज़्यादा कफ हो जाना, कफ की वजह से खांसी आती है और गले में दर्द होना, तो दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। इसके इस्तेमाल से सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड सारा कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, बस झटपट से बस 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सी बर्तन रखा हुआ है और तपेली को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और जैसी तपेली हमारी अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें हमें पानी ऐड करना है। और मैं यहाँ पे एक छोटा गिलास पानी ऐड करूँगी दोस्तों, और पानी को सबसे पहले हमें उबलने देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, पानी जो मैंने उबलने रखा था, ये उबलना स्टार्ट हो गया है, यानी ये बॉईल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर से बबल्स आ रहे हैं दोस्तों। तो पानी जब अच्छे से उबल जाए, करीबन 1 मिनट तो अच्छे से उबलना चाहिए दोस्तों। तो इसे अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें पानी को अच्छे से 1 मिनट तक का ही उबालना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पानी में से इस तरह से धुआं आना चाहिए, यानी कि भाप आनी चाहिए। तो इसका मतलब है पानी जो है अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं हल्दी कितनी बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। दोस्तों, हल्दी के गुण के बारे में तो हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे हर एक बॉडी के हिस्से में ये ड्रिंक पहुँचेगा और हमारे को इंस्टेंट रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये पानी में हल्दी जो है अच्छे से मिल गया है। अब इसे हमने 1 से 1.5 मिनट तक का पकाया है। अब मैं यहाँ पर एक चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ दोस्तों। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, आराम से पी सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पे आधी छोटी चम्मच घी ऐड करना है। घी ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जो भी हमारे गले में दर्द होता है खांसी आने की वजह से, कफ की वजह से, वो नहीं आएंगे और वो आराम मिल जाएगा दोस्तों। तो इसे भी मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है ये पूरी तरह से बन के बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कितना जल्दी से झटपट से बन गया है। तब मैं आपको बताती हूँ इसको गर्मा गर्म सर्व करके किस तरह से आपको पीना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कप लिया है। अब हमें इस कप में जो हमने लिक्विड बनाया है, यानी कि जो काढ़ा बनाया है, उसे छान कर पीना है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मैंने सारा छान लिया है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब इसमें हम मैं एक चीज़ ऐड करूँगी दोस्तों, जिससे हमें बहुत ही जल्द इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है, जिसकी बीच मैंने हटा दी है। अब कुछ बूंदे हमें ऐड करना है दोस्तों। अब इसको बूंदे को मिक्स करके हमें पीना है दोस्तों। ये थोड़ा से गुनगुना रहे दोस्तों, तभी आपको पीना है। और जब भी आपको इसको पीना है, तभी आप बनाइए, पहले से बनाकर मत रखिए दोस्तों। और उस वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सके तो मॉर्निंग में पीजिए या फिर आप रात में पीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके गले में जो सुबह में अगर आप पियेंगे, तो जो रात भर आपका कफ जो है एक साथ जमा हो गया होगा, वो निकलने जाएगा धीरे धीरे। तो इससे आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। एक बार ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर आप इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं इसी तरह से नई वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।